ये गूगल मैप में भी नहीं मिलते। और ये भड़क गया क्या? वो भड़क गया, वो वाला इधर से नहीं जाओ। ये एज्ड वाला है, इधर से तो फादर ऑफ एवरीवन विद डबल हम्स। वेलकम टू खारतुंग लव पास बार्क बाइकर्स पैराडाइज। हे गुड मॉर्निंग गाइस, ये है सुबह सुबह का नजारा और बजे है सुबह के 10:15। हे वेलकम बैक टू ओल्ड एंड भारत चैनल। आप सब लोग ने इतना जो प्यार दिया लास्ट वीडियो में, मुझे पता ही नहीं था इतना आप सब लोग को केयर लगा कि हाउ इज सिमी सब लोग ने कमेंट डाला। वो जिस हिसाब से आप लोग ने मुझे इतना केयरिंग दिखाया, आई रियली थैंक यू ऑल फॉर दिस काइंड ऑफ केयरिंग। बट राइट नाउ आपको अपडेट देना चाहता हूँ, सिमी इज फाइनली वेल। ये हमारा रूम है जो होटल में मिला था। तो सिमी, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? शी इज रेडी टू रॉक। तो फाइनली शी इज रेडी टू रॉक। अभी यहाँ से हमारा प्लान है किधर जाने का, है नुब्रा वैली। सो नुब्रा वैली में बेसिकली एक जगह है जहाँ पर हम लोग को हमने यू नो आइडेंटिफाई किया है, वो जगह पे जाके पहुँचने का है। इस बीच में ना हम लोग को माइटी खारदुंगला पास आएगा, माइटी खारदुंगला पास। वो खारदुंगला क्लास इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरवेल रोड, था एक टाइम पे, अभी सेकंड हो गया, अभी उमिंगला पास हो गया है दी हाईएस्ट मोटरवेल रोड। टिल देन वॉच द वीडियोस, एंड जैसे आपने लास्ट वीडियोस में लाइक दिया, उस वीडियोस को भी आप प्लीज़ लाइक दीजिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोलो सब्सक्राइब कर, लव यू। तो ये हमारा सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी, कटलेट लिया, कुछ सैंडविच लिया, बटर ब्रेड और चाय। चाय इसके लिए क्योंकि यहाँ पर गर्म चीज़ तो चाहिए चाहिए। और सिमी को देखो रोज की तरह छोले भटूरे जी क्या है ना, यहाँ से अपने 3.5 घंटे का रास्ता है। और बीच में मालूम है, अगर अपने रुकते भी है कुछ खाने के लिए, सिवाय मैगी और स्तूपा, एक नूडल्स का सूप टाइप आता है, वो ही मिलता रहता है रास्ते में, और कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोला यहाँ से पेट भर लो जितना हो सकता है, भले ब्रेड बटर तो ब्रेड बटर, बट वो स्तूपा वूपा मुझसे नहीं जाएगा। और मैगी भी यहाँ का एकदम बकवास। और कैसा है ना सीन, यहाँ पर खाना है ना इतना जल्दी ठंडा, प्लेट में आया ना ठंडा, प्लेट में आया ठंडा, ऐसा हो जाता है। क्या थुप्पा, थुप्पा नाम भी है ना अजीब है, थुप्पा थुप्पा, ये नाम सुन के ही भूख नहीं लगती है, थुप्पा थुप्पा। ये व्यू देख रहे हो, खतरनाक व्यू है यार, क्या व्यू दिख रहा है ना यार, बहुत खूबसूरत है यार। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं हुंदर के लिए। तो हुंदर यहाँ से अपने को दिखा रहा है बेसिकली 3 hours 32 minutes 124 kilometers। तो यहाँ पर हम दिखा रहे कि भाई 130 या 230 तक तो पहुँच ही जाएंगे, पर रास्ते बहुत ब्यूटीफुल है। इस बीच में खारदुंगला पास आएगा, द माइटी खारदुंगला पास, लेट्स सी दैट यार। तो यहाँ पर अपने को रुकना पड़ा बेसिकली परमिट के लिए, मेरे को पता नहीं ध्यान में था मेरे, तो ऑनलाइन परमिट ले, परमिट करके ऑनलाइन वेबसाइट है, 840 rupees लिया। और यहाँ पे सांस की तकलीफ हो रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं खारदुंगला पास, तो ये ऊपर अपने को चढ़ने का पड़ेगा। तो खारदुंगला पास यहाँ से हार्डली 1 hour है करके। तो यहाँ हम लोग को रोका है, ये कोई चेक पोस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है नो व्हीकल्स विदाउट एंटी स्किड चेंज इज फर्दर अलाउड। अरे अपना 4x4 अपने को क्या जरूरत है करके, मतलब इतना खतरनाक स्नो है क्या है पता नहीं, पर मेरे ख्याल से रजिस्टर ही करके रिटर्न आना पड़ेगा, और कुछ तो है नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि इतना ज़्यादा भी स्नोफॉल नहीं हुई है ऊपर, वो जाता है माइटी खारदुंगला। तो ये माइटी खारदुंगला का रास्ता है जो ऊपर से जाएगा। सिमी का हो गया, पता नहीं हुआ, बुला रही है मेरे को, क्या हुआ पूछता हूँ मैं इसको, क्या हुआ क्या बोल रहे थे? बस खाली नाम और गाड़ी का नंबर दे। ओके बस दैट्स इट ना,
और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। चलो मतलब फिर से रोकते हैं, क्या बोलते हैं, और पता नहीं इनमें एटीट्यूड बहुत है मालूम। यहाँ पर लद्दाख में जो लोकल्स हैं ना, बहुत एटीट्यूड है उनमें, मतलब एकदम रफ एटीट्यूड में अपने से बात करते हैं, इशारा, हाथों का इशारा, बहुत रफ एटीट्यूड से बात करते हैं। एटीट्यूड क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से, इतना दिनों से एल्टीट्यूड पे चल रहे हैं, इसके लिए एल्टीट्यूड निकल रहा है यार। हाँ चलो काट दूंगा, वी कमिंग। वेलकम टू दी माइटी खारदुंगला। यहाँ पर है ना एक चीज का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, पार्किंग नहीं मिलता है। लेट्स पार्क इट हियर। वेलकम टू खारदुंगला पास, बाइकर्स पैराडाइज। तो ये खारदुंगला पास है एंड दिस इज समथिंग 18,800 फीट अबव सी लेवल। सो कल जो हमने पास क्रॉस किया था दैट वॉज 17,400। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इट इज अच्छा नया 17,982 ये लिखा हुआ है। सो दिस इज 17,982। वेलकम खारदुंगला, द टाइम टॉप ऑफ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहा हूँ, सांसें भी है ना मेरी फूक। वी कैन नॉट वेट ओवर मोर देन 10-15 मिनट्स, नॉट रिकमेंड टू वेट मोर देन 15 मिनट्स क्योंकि आपको AMS यहाँ पर हिट होना शुरू हो जाएगा। हाँ वी शुड नॉट वेट ओवर। सो बेसिकली ये खारदुंगला दिस इज द टॉप, दिस वॉज दी वर्ल्ड हाइएस्ट मोटरबल रोड जो BRO से बनाया गया था। अभी तो उमिंगला पास बना है। सांस की तकलीफ है ना फिर से शुरू होगी यार, इतना ईजी नहीं है। अच्छी आप वॉक करोगे ना यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, अदरवाइज इतना तकलीफ। ATM भी है यहाँ पर। द वेदर इज क्वाइट चिली। इससे अच्छा है ना कल जो हम लोग परसों के दिन जो पास क्रॉस किया था ना, तांगलांगना वॉट एवर आई के नॉट प्रोनाउंस, वो पास वॉज मच मोर बेटर। एंड मतलब वो वाकई में देखने वाला पास है। रैदर कमिंग डाउन ओवर हियर एंड सीइंग दिस इज नथिंग। मतलब ठीक है, आई सैल्यूट जस्ट बिकॉज दिस इज ओनली 400 मीटर्स अप, बट दैट वाज आल्सो 17,600 फीट। तो यहाँ पर आके क्या अचीवमेंट, हमने तो फिर बहुत अचीवमेंट किए थे बारह लच्छा से लेके टांगलाना जो भी था। तो मैं ना सिमी को बोल रहा था कि यहाँ पर है ना अपना आएंगे दिसंबर के टाइम, बाई रोड तो नहीं आ सकते, बाई कार तो आई नहीं, बाई क्या बोलते बाई फ्लाइट तो आ सकते अपन। हड्डियां ना हड्डियों में ऐसे ना कड़कड़ आवाज आ जाएगा। पक्का आदमी जो यहाँ पर ये टाइम पे सर्वाइव कर सकता ना, हम जैसे लोग तो दिसंबर में सर्वाइव, दिसंबर जैन फेब मार्च यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल है। कर सो द राइट टाइम, यहाँ से सीजन खुलता है जून से, जून टू अक्टूबर, बस ये चार महीना लद्दाख खुल जाता है फॉर टूरिस्ट एंड वेर यू कैन कम बाय रोड। बाकी कोई टाइम आप आ ही नहीं सकते हो बाय रोड से यार। वेलकम टू नुब्रा वैली। तो ये है नुब्रा वैली। वैसे गाड़ी पे भी ध्यान दो नहीं तो यहाँ पर सब मिलिट्री वाले चढ़ जाएंगे अपने ऊपर। बच गए यार, बच गए। तो एनीवेज ये वन ऑफ दी 12,000 फीट पे डेजर्ट है, ये पूरा एंटायर डेजर्ट 12,000 फीट। और यहाँ पर बेसिकली ATV राइड्स एंड ऑल लोग करते हैं, बट गाड़ियाँ अलाउ नहीं है इसमें जाने के लिए। बट है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और सामने अगर आप पहाड़ देखोगे ना, आई थिंक सो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वहाँ से पाकिस्तान POK भी दिखता है यहाँ से। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नुब्रा वैली। और यहाँ से अभी अपना डिस्टेंस दिखा रहा है 27 मिनट्स और 17 किलोमीटर्स। वहाँ पर है क्या बेसिकली डबल हैम कैम्प्स, देखते अभी वो कैम्प मिलेंगे कि नहीं। Camels, one of the beautiful and very rare camels found in the earth.
ये देखो यार, ये पहाड़ों का ना कोई भरोसा नहीं, इतने ट्विस्टिंग टर्न्स हैं, इतने ट्विस्ट, एक ही जगह पे एक ही पहाड़ में गोल 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 घूम के 50 किलोमीटर नीचे उतरते, 50 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं। मेरा तो मन कर रहा है मालूम है क्या, काश इधर अलाव होता कि डेजर्ट के अंदर गाड़ी चलाने के लिए यार, यहाँ पर डेजर्ट सफारी जैसलमेर जैसा हो जाता था। एक तो अपनी थार है और इसका पूरा कैपेबिलिटी यहाँ पर यूज़ हो जाता था, ऑफ रोडिंग करने के लिए बहुत मज़ा आता था यार यहाँ पर। बट बोलते कि अलाव नहीं है यहाँ पर, आप गाड़ी अंदर लेके नहीं जा सकते हो, देन हैवी पेनल्टी हो यार, आपकी गाड़ी भी सीज कर देंगे, दे डू नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल दी एनवायरमेंट, ओ बैड लक क्या बोल सकता हूँ। अभी बचे है 3:16, टाइम वॉज टू अराइव एट दिस टाइम, अभी भी 7 दिखा रहा है टू हुंदर वे वी आर गोइंग टू स्टे। बट यहाँ पर है ना वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट, इतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं है एंड इसकी एल्टीट्यूड भी इट्स अराउंड 11,000 फीट पे है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम ले जैसा है। तो मुझे तो इनको देख के ना हमेशा डर लगता है भाई, वापस से नहीं सर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, बोला भागो यहाँ से भाई तुरंत कुछ नहीं कर सकते। लू क्या ऊपर ऐसा एक टांग पे गाड़ी, एक टांग पे लेता हूँ। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग डबल हैम कैंप की जगह। सो बेसिकली यहाँ पर ये पूरा डेजर्ट ड्यून्स है एंड यहाँ पर है ना स्पेशली बोर्ड लगे ले कि यू नो 4x4 व्हीकल है आपके पास, देन ऑल्सो डू नॉट ट्राई दैट स्टंट, पेनल्टी विल बी 4x4। आते भी पेनल्टी विल 4x, इमीडिएटली मैंने वो ड्यून्स पे था इमीडिएटली नीचे उतार दिया मैंने, मैं बोला फंसने का नहीं हफ्ते 4x4 में। पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी है, क्रेटा दिए पुलिस वाले लोग को भी। ये है डबल कैमल्स, इनके डबल हम्स जो है इतने छोटे छोटे हम्स दिख रहे, पहला पिछली बार आया था ना बहुत बड़े बड़े थे, ये तो बच्चे लग रहे मेरे को, वहाँ बैठे बहुत सारे। आ जाओ ये देखो, ये इसके अंदर घुस रहा है। ओए हाँ बेटा दिया, अच्छा है ना, ग्रिप मिलता है, आगे भी मिलता है पीछे भी मिलता है, लुक वेरी डिफरेंट, हाँ वेरी डिफरेंट चेहरा देखो। हेयर स्पा ना तुम्हारे पास बेचता हूँ, इनको लेके जाओ थाना हीरा नंदानी में। अरे बाबा ओए फनी दिया लुकिंग यार, इधर से एक शॉर्टकट दिखाता हूँ मैं तुझे, ये मैंने ही डिस्कवर किया ये शॉर्टकट इधर। गूगल मैपिंग तुमने ही किया इधर का? हाँ तो ये है ना, ये गूगल मैप में भी नहीं मिलते। अरे भड़क गया क्या वो? भड़क गया वो, बोला इधर से नहीं जाओ। क्या हुआ बेटा क्या हो गया तेरे को? सलाम कर रहा है, बोलते है वापस आए आप इतने टाइम के बाद, ठीक है। तो 1000 rupees पर राइड पर पर्सन, 4 kilometers का रेंज है यहाँ पर, तो पूरा सैंड ड्यून्स में लेके जाके घुमा के आएंगे। हाँ आई विल टेक द बिग वन बिकॉज आई सॉ द बिग वन, यू टेक दिस वन। How did you like it? Yeah. Ah, is it fun? It was fun, right? Enjoyed it. But you could ride or he was only helping you? मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाने दिया, मेरे को चलाने आता है करके, हाँ तो बीच में मेरे को हेल्प मत कर, 1000 rupees दिया मैं पूरा, मैं ही चलाऊंगा। पकड़ मेरा लेफ्ट। हाँ उसको है ना कॉन्फिडेंस लग गया तेरे को देख के कि भाई ये कहीं भी घुसा देगी अंदर। ये चीज़ दिखाओ आप लोग को, ये देखो क्रेटा, लद्दाख पुलिस को क्रेटा दिया है, क्या ये ऑफ रोड की गाड़ियाँ भी नहीं है बट क्रेटा। Heads up to the government of Leh that they are providing such cars, good cars, capable cars, you know, and giving Cretas. अपने यहाँ पे जो अरमाड़ा वरमाड़ा लेके स्कॉर्पियो और भी लेके घूमते हैं सब लोग बेचारे ना। चलो अभी है ना अपन होटल में जाके चेक इन कर लेते हैं। ये होटल हम लोग ने बुक किया हुआ है, दी वाइट सैंड रिसोर्ट, ये प्रॉपर नुरबा के अंदर है ये होटल एंड ये बाकी सब जगह ना यहाँ पर कैंप्स बने हुए हैं, ये खाली यहाँ पर कैंप नहीं, ये कॉटेजेस है बंगलो टाइप है एंड इट्स वन ऑफ दी 5-star ऑफ नुरबा, यू कैन से दैट। या तो अभी शाम के बजे है 6:02, अच्छा हम लोग ने चेक इन पहला कर चुके और उसके बाद हम लोग सैंड ड्यून्स में गए थे करके। तो बेसिकली यहाँ टेम्परेचर है 13 degrees, हाँ 13 degrees टेम्परेचर चल रहा है एंड इट्स 9500 एल्टीट्यूड पे है अपन। ये है इनका क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें। हेलो गुड इवनिंग, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल ये सब चीज़ मिलेगी तुम्हें यहाँ पर एंड स्टोल एंड दिस ऑल कैप्स। बेसिकली ना मेरे को नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें, मैं दीदा बोला मेरे को रूम का चाबी दो,
मैं जाके अंदर रूम टूर कराता हूँ। तब तक ये कॉटेजेस है, तो ये खाली नुरबा में दिस इज दी ओनली वन प्रॉपर्टी विच हैज प्रॉपर कॉटेजेस, नॉट टेंट। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर रूम में हीटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स हॉट वाटर, ऑल दोज थिंग्स दे प्रोवाइड यू। एंड यहाँ पर क्या बॉनफायर बनाने के लिए भी देते हैं लोग, दे प्रोवाइड दैट ऑल्सो। तो ये हमारा रूम है बेसिकली, यहाँ पर यू गेट हॉट वाटर, कॉफी, टी कॉफी, ब्लैक कॉफी, ओह दे प्रोवाइड यू वाइन ऑल्सो, वाओ। मैंने पहला ही रखा था, आप जैसे मैं बताया था कि हमने पहला ही चेक इन किया था एंड वी वेंट टू द सैंडी डेजर्ट। तो ये व्यू है रूम से, दैट इज वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर जब भी आप आओ ना, एंड इफ यू आस्क मी द चार्जेस, दे चार्ज यू वेरी हाई। एक्चुअली ले लद्दाख में पहला ही बोला था। बाथरूम इज गुड यार, 24 आवर्स हॉट वाटर, हीटर भी है बाथरूम में, एंड दिस इज सेंट्रली हीटर इन द रूम। बट सच्ची बताऊँ तो मुझे इतना ठंड लग ही नहीं रहा है आज के टाइम पे। मैंने अपना वार्मर भी निकाल चुका हूँ और शायद टी शर्ट भी निकाल हुआ, क्योंकि ठंड बिल्कुल भी नहीं है। 13 डिग्रीज 14 डिग्रीज क्या होता है यार, वेन यू आर कमिंग फ्रॉम 15 डिग्रीज 5 डिग्रीज। बाय द वे ले में 5 डिग्रीज था, 18 नहीं था, वो अपना रूम का टेम्परेचर दिखा रहा था 18 डिग्रीज। सो एनी वे गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज ओल्ड एंड भारत साइनिंग ऑफ, टिल देन पीस।